गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज हम पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 4 के लिए फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश का सोल्यूशन देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फोर्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें। तो आपके सामने इसका सोल्यूशन है, आप देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ पर हमको दिया है ग्लास, और ग्लास का जब हम राइमिंग वर्ड बनाएंगे तो वो होगा क्लास। एज द सेम वे सेकंड वर्ड है हैंड, और उसका हमने राइमिंग वर्ड लिखा है LANDY, लैंड। क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है उसमें हमको लिखना है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, यानी विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। पहला वर्ड है डाउन, उसका ऑपोजिट वर्ड हम लिख लेंगे अप। सेकंड क्वेश्चन है वाइड यानी विशाल, तो उसका हो जाएगा नैरो। थर्ड वर्ड इज लेस यानी कम, तो उसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा MORE, मोर यानी ज्यादा। फिर आपके सामने है आंसर नंबर 2, जिसमें मेक द सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी दिए गए हुए शब्द पर से वाक्य बनाने हैं। जैसे कि आपके सामने आप देख रहे हो, पहला वर्ड है प्रोटेक्ट, तो हमने इसके लिए एक सेंटेंस बनाया है, वी शुड प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट, हमको हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा वर्ड है ब्यूटीफुल, हमने इसके लिए सेंटेंस बनाया है, लाइफ इज अ ब्यूटीफुल, एन्जॉय इट। थर्ड वर्ड इज मैजेस्टिक, इसके लिए हमने वर्ड बनाया, सेंटेंस लिखा है, एन एलिफेंट इज अ मैजेस्टिक एनिमल। फिर फोर्थ सेंटेंस में हमको दिया है माइटी, तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है द फॉक्स इज माइटी एंड क्लेवर एनिमल। फिफ्थ इज पोरिंग, शी पोरिंग वाटर इनटू द ग्लास। अब हम आंसर नंबर 3 पर आ जाते हैं, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसके हमको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है विच इवेंट मेड द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे मेमोरेबल, हमने उसका आंसर लिखा है द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे वॉज मेड मेमोरेबल बाय एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ब्राज़ील। सेकंड क्वेश्चन है हु अटेंडेड द इवेंट इन ब्राज़ील, इसका हमने आंसर लिखा है द लीडर्स ऑफ मेनी कंट्रीज अटेंडेड दिस इवेंट। फिर हमको एक स्लोगन लिखना है यूजिंग द वर्ड ग्रीन अर्थ, तो हमने यहाँ पर एक स्लोगन लिखा है ग्रीन अर्थ क्लीन अर्थ। फोर्थ क्वेश्चन में हमको पूछा है व्हेन इज द अर्थ डे सेलिब्रेटेड, हमने इसका आंसर लिखा है द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22nd अप्रैल एवरी ईयर, 22nd अप्रैल ये अर्थ डे सेलिब्रेशन का डे है। फिफ्थ में हमको दिया है मेक अ न्यू वर्ड विद द लेटर LION, लायन पर से हमको शब्द बनाने हैं, तो लायन वर्ड के जो हमने अर्थ बनाए हैं वो है ऑन एंड नील। नंबर 4, यहाँ पर हमको साइंटिस्ट को लेकर कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि हु इज़ योर फेवरेट साइंटिस्ट, तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है डॉक्टर CV Raman इज़ माय फेवरेट साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज ही बॉर्न, उनका जन्म कहाँ हुआ था, इसका आंसर हमने लिखा है ही वॉज बॉर्न इन Thiruvankoil, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। वॉट डिड ही इन्वेंट, उन्होंने किस चीज़ की इन्वेंशन यानी शोध की थी, तो उसका आंसर लिखा है ही इन्वेंट द लॉज ऑफ स्कैटरिंग लाइट, यानी जो प्रकाश जो है उसके सिद्धांतों का उन्होंने इन्वेंशन किया था, और वो हमको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल भी है। और ये पूछा जाता है कि उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया था, तो ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे और इनको नोबल प्राइज़, जो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है नोबल प्राइज़, उससे उनको सम्मानित किया गया था। एंड द लास्ट आंसर, यहाँ पर हमको एक पैराग्राफ दिया हुआ था और हमको इस पैराग्राफ में पंक्चुएशन मार्क्स यानी कैपिटल, स्मॉल, कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, ये सारी चीज़ें रखनी थी, तो ये पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है। आप इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पोज करके इसको कॉपी कर सकते हैं। तो इसी के साथ जुलाई 2020 का स्टैंडर्ड 4 का इंग्लिश का हमारा जो पेपर सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैंने 25 मार्क्स का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने रखा हुआ है। आपने इस वीडियो को देखा अंत तक, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को इसे शेयर कर लें।